गाइस वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी, दिस इज शुभम सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनिम की। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास वीडियोस आ ही रही हैं, अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी आपके पास, तो कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं उनकी बात करते हैं। जैसा कि पहला वर्ड लिखा हुआ है सेरेंटी। सेरेंटी मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे सेरेंटी हमारा जो वर्ड बना हुआ है ये कामनेस से बना है। कामनेस मतलब होता है शांति। तो कोई नया वर्ड नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। कहीं पर अगर आपको कामनेस लिख के आता है, सेरेंटी वर्ड लिख के आता है, इसके अगर सिनोनिम की बात करते हैं तो आप सेरेंटी पे या कामनेस पे टिक कर सकते हैं, जो आपके ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ प्रीफेस। प्री मतलब आप जानते हैं, प्री मतलब होता है पहला और फेस तो आपको पता है। तो पहला मतलब प्री, जब वर्ड कहीं पर भी आता है तो उसका मतलब ही होता है पहला। प्रीफेस मतलब होता है प्रस्तावना, आप बोल सकते हैं प्रीएम्बल, यानी कि प्रीएम्बल और प्रीफेस दोनों का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ कॉन्टेमिनेटेड। कॉन्टेमिनेटेड मतलब होता है किसी चीज़ को पॉल्यूटेड कर देना, किसी चीज़ को दूषित कर देना, उसके लिए हमारा वर्ड आता है पॉल्यूटेड। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ स्टबॉर्न। स्टबॉर्न आपने पढ़ा होगा बहुत बार और नॉर्मल वर्ड है। स्टबॉर्न मतलब होता है जिद्दी। और उसका दूसरा वर्ड होता है एडामांट। मतलब एडामांट और स्टबॉर्न दोनों का मतलब होता है जिद्दी, वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिद करता है किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हैकनेट। हैकनेट मतलब होता है कॉमन प्लेस, आप बोल सकते हैं बैनल, बैनल या ट्राइट, ये हमेशा कॉमन के लिए आता है, सामान। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ, आप बोल सकते हैं निम्बल, फास्ट मतलब फुर्तीला। नेक्स्ट वर्ड है क्रिपल। और यहाँ पर अगर बात करेंगे निम्बल या फास्ट की, एनर्जेटिक भी आप बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी से भरा होता है। क्रिपल मतलब होता है किसी चीज़ को पंगु बना देना। पंगु बनाने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप, किसी की पावर को आप कम कर देंगे तो उसको पंगु आपने बना दिया। मेम, मेम पर्सन एक बोलते हैं ना आप, मेम, तो मेम या क्रिपल, इन दोनों का मतलब होता है किसी को पंगु बना देना, किसी की पावर छीन लेना। नेक्स्ट है हमारा कमोशन। कमोशन मतलब क्या होता है, कमोशन मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल या हल्ला गुल्ला, उसके लिए हमारा वर्ड आता है कमोशन, आप बोल सकते हैं अपरोर या डिन। इनका मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है शोरगुल या हल्ला गुल्ला। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ बिगॉटेड। बिगॉटेड मतलब क्या होता है, बिगॉटेड मतलब वो लोग जो ज़्यादा दूर की नहीं सोच पाते हैं, बहुत ज़्यादा संकीर्ण विचारधारा वाले होते हैं, बोल सकते हैं आप नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक मतलब क्या होता है, हिस्ट्रियोनिक मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं नाटकीय। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ फियास्को। फियास्को मतलब क्या होता है, फियास्को हमारा वर्ड आता है, ये थोड़ा अच्छा वर्ड है। फियास्को आप बोल सकते हैं कैपुट, एक आता है डर्ट, एक वर्ड होता है कोलैप्स, इन सभी का मतलब होता है कंप्लीट फेलर। जो पूरी तरह से असफल हो चुका होता है उनके लिए ये सारे वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अमोरल। अमोरल मतलब क्या होता है, मोरल तो आप जानते हैं, मोरल मतलब होता है नैतिक। अमोरल वर्ड जो है वो अनैतिक हो गया, आप बोल सकते हैं अपॉलिटिकल। नेक्स्ट वर्ड है पॉम्पस। पॉम्पस मतलब क्या होता है, पॉम्पस मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, अपने आप को बहुत दिखाता है कि ये है वो है, तो पॉम्पस आप बोल सकते हैं दिखावे से भरा हुआ। यानी कि शो ऑफ करना, ये आप जैजी भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट। बोस्ट मतलब क्या होता है? बोस्ट मतलब होता है, बोस्ट आप बोलते हैं ब्रैग, मतलब डिंगे मारना कि ये है मेरे चाचा, ये है मेरे चाचा, नहीं बोलते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिंगे मारते हैं, तो उसको बोलते हैं बोस्ट। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ एमिलियोरेट। एमिलियोरेट मतलब क्या होता है? एमिलियोरेट मतलब होता है मिटिकेट करना या एलिविएट करना, मतलब कि दुख परेशानियों को कम करना। या आप बोल सकते हैं एलिविएट। नेक्स्ट वर्ड है टू ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट तो आप जानते हैं जनरल टर्म है, इसका मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, निरादर करना, टू इंसल्ट। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ फेन। फेन मतलब होता है टू प्रिटेंड, यानी कि बहाना बनाना। आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब भी होता है बहाना बनाना। तो फ्रेंड्स, ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे। आप डेली के डेली वोकैब्स प्रिपेयर करते रहिए। इस टाइम तो आप वैसे भी फ्री हैं, तो जितना से ज़्यादा आप कवर करना चाहें कर सकते हैं। ओके, देखते रहिए एग्जाम स्टडी। थैंक यू।